नन्ही सी खामोश सी वो आंखें एक दिन तुमसे पूछेंगी, आखिर कहाँ गए मेरे खिलौने, क्यों नहीं वापस आए मेरे पापा, भैया कहाँ रह गए मम्मा। तब पता नहीं क्या उत्तर देना पड़ेगा, खामोश रहेंगे या सच बतलाएंगे। युद्ध लड़े नहीं जाते, वे थोपे जाते हैं। युद्ध जीते नहीं जाते, वे भुगते जाते हैं। सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप जब संडे को आप जो है वो गुड बुक्स में कुछ बताओगे, किसी बुक के बारे में कुछ बताओगे, तो ऐसा टॉपिक लीजिए इसमें कि यूक्रेन और रशिया वाला हिस्सा भी हम कवर कर सकें, या हम समझ पाए कि ये वॉर क्यों हो रहा है। क्योंकि सब तरफ जो है वो तमाम मीडिया में वर्ल्ड वॉर 3, तमाम तरह की न्यूज आना शुरू हो गई है। और तो और मैंने आपको बताया भी था, स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या, होगा क्या, यदि होगा तो नीट कब होगी। मतलब वो कनेक्शन कितना गहरा लगा के बैठे हैं। खैर, तो प्रश्न ये उठता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो किस बात को लेकर युद्ध हो रहा है, कह रहे किस बात को लेकर जो है रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया है। अब मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे दो तरह के लोगों का ग्रुप बना हुआ है। एक है जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि रशिया ने बिल्कुल सही किया, पुतिन दादा हम तुम्हारे साथ हैं, और यूक्रेन बड़ा खराब था, यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट दिया था यूएन में, तमाम तरह की ये न्यूज जो है वो भी आ रही है। कुछ लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वॉर चाहे वो यूक्रेन में इन्वाइट किया वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब आपका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे कि वॉर के बारे में बाहर से देखकर ओपिनियन देना और वॉर का हिस्सा बन जाना, वॉर से अफेक्ट होना, दोनों में बहुत फर्क है। जो भारत के, इंडिया के जो स्टूडेंट जो है मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, जो बंकर में रह रहे हैं, अभी हाल ही में कुछ बच्चों के का टेलीफोन कॉल और ये रिकॉर्डिंग्स भी मीडिया में आना शुरू हुई है। आप देखिए उनकी लाइफ क्या, उनको डर यह है कि वो सिर्फ वहां से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। तो मतलब लाइफ जो है वॉर में लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रहती है। चलिए तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैंने कुछ डेटा निकाला है जिस पर मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा पहले कि एक्चुअली ये मुद्दा क्या है और ये मुद्दा कितना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा आप कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में। क्योंकि एक विचारशील नागरिक होना, एक सिटीजन होना ग्लोबल सिटीजन में, तो अब ये वर्ड भी मैं यूज करता हूं कि हम सब लोग वैश्विक सिटीजन है हम लोग। ठीक है, क्योंकि आज दुनिया वैसी नहीं रही है जो कभी 14वीं सदी में, 14 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में रहा करती थी। अभी ये 21st सेंचुरी है। अब इस तरह के जो वॉर है ना, वो हमको कभी आगे लेकर नहीं आते। वो देखिए, कल आपने देखा होगा कि मीडिया में आ रहा था कि रशियन मिसाइल ने जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला करना शुरू किया, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जैसे मुंबई में है वैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कीव के अंदर थी, उनको उड़ा रहे हैं। अब बताओ उससे फायदा क्या, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आप डैमेज कर दोगे, सब खत्म कर दोगे, नागरिक वहां से पलायन कर रहे हैं, है ना, किस पे रूल करोगे, क्या करोगे, क्या उस जमीन का। खैर, अब कहानी शुरू होती है। एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि जो यूक्रेन है कोई नया कंट्री नहीं है। यूक्रेन का जो एरिया है, जितना वो जो यहां पे लोग रहते हैं, इसका अपना एक जो है वो बड़ा लंबा हिस्ट्री है। एक जमाने में ये किंगडम ऑफ पोलैंड, पोलैंड जो है वो पोलिश राजा जो थे वो यहां पर रूल किया करते थे, मतलब ये पोलैंड के किंगडम का एक हिस्सा था। पहले के जमाने में क्या था कि किसी भी राजा को यदि मान लो ज्यादा पैसा चाहिए, ध्यान से बात सुनिएगा, बड़ी पते की बात है, किसी भी राजा को यदि ज्यादा पैसा चाहिए उसको, तो ज्यादा बड़े खेत चाहिए पड़ेंगे। क्योंकि पूरी व्यवस्था जो थी पहले के समय में, ये हम बात कर रहे हैं, ये 1100 1200 1300 1400 1500 1600 इन शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात कर रहे हैं। आपको यदि बड़ा बनना है तो आपके पास खूब सारे खेत होना चाहिए, खूब सारे जानवर होना चाहिए आपके पास में, खूब सारे खेत होना चाहिए, खूब सारे इंसान होना चाहिए। इंसान खेतों में काम करेंगे, फसल पैदा होगी और वो अमीरी का प्रतीक होगी, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी।
ठीक है, जानवर खूब सारे होंगे, इंसान खूब सारे होंगे, तो गुलाम प्रथा भी थी। इसलिए भाई इंसानों से काम कराने के लिए आपको सैलरी देना पड़ेगा, तो गुलाम बना लो तो सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, खाने पीने पे ही काम करेंगे, तो गुलाम व्यवस्था भी थी उस जमाने में। और ये कोई ऐसा नहीं कि गुलाम व्यवस्था केवल अफ्रीका में थी, बल्कि ये जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे भी लोग बाग आते थे, अफ्रीका सूडान आते थे, गुलाम खरीद कर अपनी कंट्री में ले आकर वो उनसे चाय के खेतों में अलग अलग जगह पर वो काम करवाया करते थे। तो यूक्रेन की जो कहानी है ये शुरू होती है बहुत पहले से, कि किंगडम ऑफ पोलैंड का ये हिस्सा रहा, लंबे समय तक हिस्सा रहा है, और 18वीं सेंचुरी में जो है रशियन एम्पायर ने इसको एक्वायर कर लिया। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के युद्ध चला करते थे अलग लेवल के, ठीक है, तो रशियन एम्पायर ने इसको 18वीं सेंचुरी में अपना हिस्सा बना लिया, ठीक है। फिर लंबे समय तक रशियन एम्पायर काफी बड़ा था, उस रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा ये, और 1922 में 1922 में जो है यूएसएसआर के यूनाइटेड सोवियत का जो है वो सोवियत संघ का फॉर्मेशन हुआ, सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, और जब सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ 1922 में, तो यूक्रेन भी उसका एक हिस्सा बना, यूक्रेन भी उस पूरी व्यवस्था के अंदर यूक्रेन भी प्रेजेंट था, ठीक है। और कहते हैं कि जो है 1933 में 1933 में जो है यूक्रेन में जम में एक जो है वो बड़ा फैमाइन पड़ा, अकाल पड़ा, और उस अकाल में लाखों लोगों की जान चली गई। मतलब आप सोचिए ना कि हमारी इकोनॉमी इतनी अधिक डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, कि यदि खेती पैदा ना हो कभी ना कभी दिक्कत हो जाए, तो वो पूरा का पूरा रीजन ही जो है वो अकाल प्रभावित हो जाया करता था। ये वो दशक था जब जब फेमाइन ऑफ बंगाल, फेमाइन ऑफ आयरलैंड, ये कई फेमाइन पड़े उस समय जो है वो यूक्रेन में भी 1933 में जो है वो एक फेमाइन, बड़ा फेमाइन हुआ वहां पर। अब बात इतनी सी है कि जो यूक्रेन था वो 1922 में जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा बन गया वो, ठीक है। सोवियत संघ जो है वो बेसिकली एक समान विचारधारा वाले जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उन सब का एक ग्रुप था। इट्स अ बिग, यानी ये कहते हैं कि सोवियत संघ जो है वो अपने आप में जो है वो जो आज हम कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके बराबर या इससे अधिक पावरफुल कहा जाता था। उस जमाने में बहुत पावरफुल था सोवियत यूनियन। और फिर 24 अगस्त 1991 को, 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ जो है वो कई हिस्सों में टूट जाता है, कजाकिस्तान अलग, उज्बेकिस्तान अलग, ठीक है, और आपका जॉर्जिया अलग, यूक्रेन अलग, सब ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ से ये अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद से चूंकि देखिए सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा जो था, पावरफुल हिस्सा, वो रशिया के पास रह गया। अरे सोवियत संघ के जब कई हिस्से हुए तो बेसिकली रशिया को छोड़कर बाकी सब अलग अलग हुए। यानी उस जमाने में जब सोवियत संघ था तो भी रशिया मॉस्को ही रूल करता था। तो इसके मतलब आप समझ लीजिए कि इसके पास कई सारे दूसरे कंट्री, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी राज्य हैं सबका अपना झंडा है, अपना संविधान है। आपको पता है कि नहीं पता, अमेरिका में हर राज्य का अपना झंडा भी है, एक नेशनल फ्लैग है, और एक उनका उनका स्टेट का फ्लैग है। हर राज्य का अपना भी संविधान हो सकता है वहां पर। तो वैसे ही जो है वो एक जमाने में यूएसएसआर था। फर्क इतना था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिस्टिक व्यवस्था पर है, पूंजीवादी व्यवस्था पे काम करता था, और ये साम्यवादी व्यवस्था, कम्युनिस्ट की व्यवस्था पे काम करता था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है से मतलब बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं यूक्रेन, जॉर्जिया, तमाम दूसरे जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो है बेसिकली अलग हो गए, किससे, सोवियत संघ से अलग हो गए 1991 में। उसके बाद चूंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस जमाने में कहते हैं कि उस जमाने में जो है वो मिखाइल गोरबाचोव के समय की बात है। ये मिखाइल गोरबाचोव के पास उस जमाने में न्यूक्लियर पावर, मतलब सोचिए परमाणु बम भरे पड़े थे, ढेरों एटम बम उनके पास प्रेजेंट थे, लाखों लोगों की सेना थी, हजारों की संख्या में टैंक थे, हजारों की संख्या में फाइटर प्लेन उनके पास प्रेजेंट थे ऑलरेडी उस जमाने में सोवियत संघ के पास में। क्योंकि ये वो समय था जब अमेरिका का और सोवियत संघ का कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी यूएसए के और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और इसे जो है जेम्स बॉन्ड एरा भी कहते हैं। समझते हो, जेम्स बॉन्ड एरा का मतलब है कि उस समय अमेरिका स्पाई करता था सोवियत संघ की, और सोवियत संघ स्पाई करता था अमेरिका की। दोनों कंट्री के बीच में अपने अपने वर्चस्व की, दुनिया में किसका राज चलेगा उसको लेकर जो है वो आपस में टसल होती थी। लेकिन सामने वन टू वन वॉर कभी नहीं किया इन्होंने, इन्होंने कोल्ड वॉर बोलते हैं, चुपचाप से एक दूसरे का नुकसान करते थे ये लोग। ये उस जमाने की बात है। तो उस कहते हैं कि जब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उस समय में मिखाइल गोरबाचोव के पास ये विकल्प था कि वो यूक्रेन को इन्वेड करते, और यूक्रेन चूंकि उसी का हिस्सा था कोई विरोध भी नहीं कर पाता। भाई
उसी कंट्री का कोई हिस्सा अलग हो रहा है तो वो उसको पावरफुली अंदर ले सकते थे वो कजाक है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव ने एक बात देखा कि उन्होंने देखा कि वी आर गोइंग टू बी अ फेलियर स्टेट। उनका कहना था कि सोवियत संघ कम्युनिस्ट व्यवस्था को फॉलो करता है लेकिन धीमे धीमे उसकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो रही है, रूबल की कीमत बहुत कम हो रही है और लोग गरीबी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, तो उन्होंने इसलिए उसको प्रतिरोध करने से करना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ठीक है जितना भी बचेगा उतने बच्चे को हम ग्रो करेंगे, हर रीजन अपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो ओवरऑल एक बड़ा व्यू लेके चले वो। आज पुतिन कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है उनका एक बिगेस्ट मिस्टेक था, सोवियत संघ का विघटन एक बिगेस्ट मिस्टेक था, ये पुतिन का कहना है। ठीक है चलिए हम उस पर भी आएंगे बाद में। मार्च 2014 को जो है वो एक प्रोविंस क्रीमिया एक प्रोविंस था जो यूक्रेन के अंडर ही था, जहां पे रशियन पॉपुलेशन की संख्या थोड़ी सी अधिक थी, बोलते भी रशियन थे वो, लेकिन वो यूक्रेन का हिस्सा शुरू से प्रेजेंट था। उसमें जो है वो जो वो कहते हैं ना कि भाई पड़ोसी देश कई बार क्या करते हैं कि हवा देते हैं ऐसे मुद्दे को जिससे कि वो देश टुकड़ा टूट जाए वो, तो क्रीमिया जो है वो उसमें उन्होंने आंदोलन करवाना शुरू किए भाई रशिया का पार्ट बनना है हमको, और फाइनली फिर एक दिन जो है वो रशियन आर्मी ने वहां आके जो है वो उसको एनेक्स करके अपने अंदर डाल लिया, क्रीमिया को उन्होंने रशिया का पार्ट बना दिया। एक रेफरेंडम कराया उन्होंने, पब्लिक में एक वोटिंग कराया, फर्जी वोटिंग था क्या था नहीं मालूम, लेकिन यह कि उसके बाद उन्होंने फाइनली क्रीमिया को अपने पास यूक्रेन से तोड़कर अपने पास रख लिया। उसके बाद जब ये 2014 में, आप सुनिएगा, 2014 में जब जो है क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया, एक्वायर किया उसको, उसने उस समय पर उसने दो और प्रोविंस थे जिनको उसने हवा दी, उनको उसने बीच बो गया, और वो दो प्रोविंस थे। ये दो बात एक समय क्रीमिया 2014 में रशिया का हिस्सा बन गया, उसी समय पर डोनेस्क और लुहांस्क के, डोनेस्क की पॉपुलेशन है 23 लाख। अरे यार अपने यहाँ के छोटे छोटे शहर है ना जो इनसे, भोपाल अकेला है वो इनके इनके इन इस प्रोविंस के बराबर का है ना। भारत की पॉपुलेशन इतनी है कि मतलब कि एक राज्य उठा के फेंक दो ना तो चार पांच यूरोपियन कंट्री के बराबर का है, ठीक है, मतलब उसके बराबर के मुकाबले का है। खैर डोनेस्क की पॉपुलेशन 23 लाख थी है मतलब, और लुहांस्क की 14 लाख है, ये 5 साल पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 25 लाख के आसपास डोनेस्क की है, 15 लाख जो है लुहांस्क की है, और 2014 में इन्होंने देखा कि क्रीमिया रशिया का पार्ट बन गया है, तो इन दोनों प्रोविंस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे आपका कोई शहर बोल दे कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यहां पर रिवेल ग्रुप को रशिया ने सपोर्ट किया। अब ये कहानी चली आ रही 2014 से, ठीक है। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि नहीं ये हमारा हिस्सा है, तो यूक्रेन ने, बट ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंट्री अपनी टेरिटरी को बचाने की कोशिश करेगी, उसने बोला नहीं ये आजादी वजादी कुछ नहीं, ये हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। तो यूक्रेनियन सेना और वहां के रिवेल के बीच में जो है वो फाइट चलती रही है, और 2014 से ये कंडीशन बनी हुई थी। खैर अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे, कि अब जब देखा यूक्रेन ने कि 2014 में क्रीमिया को, हमारे क्रीमिया को लेकर रशिया ने अपना हिस्सा बना लिया, और 2014 में रशिया ने रिवेल ग्रुप को वहां पर उकसाकर जो है वो डोनेस्क और लुहांस्क को जो है वो इंडिपेंडेंट राज्य बनवाने में हेल्प किया, जिसको कोई दुनिया का कोई यूनाइटेड नेशंस वगैरह कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो अभी 3-4 दिन पहले, जब वॉर शुरू होने के 2 दिन पहले, 24 के आसपास जो है वो, हम कहते हैं 22-23 के आसपास जो है, 22 मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा, पर 22-23 फरवरी के आसपास रशियन प्रेसिडेंट ने साइन किया कि ये दोनों राज जो जो है डोनेस्क और लुहांस्क को हम रिपब्लिक मानते हैं, हम मानते हैं दो अलग अलग कंट्री हैं, हमने इनको परमिशन दे दिया, ठीक है। और उसका चेला जो है वो रूस का जो चेला है वो बेलारूस, उसने भी कहा हम भी मानते हैं। तो ये इसका पूरा विवाद यहां शुरू हुआ। अब होता क्या है कि जब यूक्रेन ने देखा कि 2014 में हमारे एक स्टेट को अंदर ले लिया इन्होंने, दो को इन्होंने इंडिपेंडेंट करवा दिया है, तो हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने जो है वो अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से बात करना शुरू किया। उसने कहा, अमेरिका से बोला कि हमको नाटो में शामिल होना है। अब नाटो क्या है, नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जो है सोवियत संघ का प्रभाव था, सोवियत संघ क्या करता था कि वो अफगानिस्तान में वॉर को भड़का दिया, इधर कर दिया, तो सोवियत संघ जो है वो कोल्ड वॉर में बड़ा इन्वॉल्व था, तो उस सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए कहीं यूरोपियन कंट्री में कोई डिस्टर्बेंस ना करे, तो कई सारे, तकरीबन आज इसमें 30 कंट्री शामिल है। देखो डेटा में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभी मैंने जो रिसेंट डेटा देखा तो 30 के आसपास कंट्रीज नाटो के अंदर शामिल हैं, और इन 30 देशों ने एक ज्वाइंट जो है वो डिफेंस सिस्टम को बनाया,
एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि यदि इन 30 कंट्री में कोई भी कहीं पे किसी पे हमला करेगा तो इन 30 कंट्री पर, यदि किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो तीसों के तीसों देश एक साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। ये है नाटो। कहते हैं नाटो इस समय दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, क्योंकि कारण ये उसमें 30 देश, जो जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है उसके अंदर, जापान भी उसके अंदर है, अमेरिका उसके अंदर है, यूनाइटेड किंगडम उसके अंदर है, इटली उसके अंदर है, तो ऐसी जो 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 सबसे पावरफुल, सबसे अमीर देश जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो नाटो इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने सोचा कि हम नाटो की यदि मेंबरशिप ले लेंगे तो ये 30 से 31 हो जाएंगे, हम भी बढ़ जाएंगे उसमें, तो हम पर कोई यदि रशिया हमला करेगा तो सारे लोग उसका जवाब देंगे। नाटो ने इनकी पूरी सिचुएशन को समझा। नाटो कोई ऐसा मजाक नहीं कि चलते फिरते पहुंच जाइए कि भैया मुझे शामिल कर लो। नाटो के लिए एक बड़ी प्रोसेस चलती है। तो नाटो ने बोला कि हम तुम्हारा पूरा पेपर वर्क भी देखेंगे, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स की स्टडी भी करेंगे, बाकी 30 कंट्री से हम ओपिनियन भी लेंगे। इसलिए 2024 के पहले नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। तो ये लोगों को पे जो मीडिया बोल रहा है कि नाटो जुड़ने वाला था, ये सब गलत है। सही खबर ये है कि 2024 जो है वो ईयर था जब यूक्रेन को नाटो का मेंबर बन जाना चाहिए, ऐसा नाटो के दस्तावेज कहते हैं। नाटो में जो प्रोसीजर चल रहा था वो लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें 30 देश जो है शामिल होते हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि ये कहीं अपने निजी, अब देखिए मान लो कोई मुझसे लड़ने आ रहा है और मैं बोलूं कि मेरे को ले लो अंदर, मेरे बिहाफ में लड़ो, तो वो 30 देश बोलेंगे नहीं भैया हम क्यों अपना रिसोर्स बर्बाद करेंगे इस पे, ये कब से आया है नया आदमी। तो ये एक बफर टाइम दिया जाता है शांति स्थापित, यानी ये एक नाटो में इस समय किसी को भी, जिसको भी लड़ना हो वो नाटो में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो नाटो ने जो है वो टाइम लिया। और ये जो नाटो में शामिल होने की जो बात थी, शुरू कब हुई थी, 2019 से, जब जेलेंस्की जो है वो वहां के प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के। और जेलेंस्की इज अ वेरी यंग पर्सन, वो 43 ईयर के हैं। अभी आप देखो कभी टीवी में आता है, मीडिया में आता है कि वो वेपन लेके बाहर निकले हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अमेरिका ने उनको बोला कि हम तुमको इवेक्यूट कर ले, वहां से निकाल लेते हैं तुमको यूक्रेन से बाहर, तुम हमारे पास जाओ, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, फैमिली भी तुम्हारी निकाल लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मुझे वेपन चाहिए, मुझे राइडर नहीं चाहिए, मुझे नहीं अब बाहर निकलना, मैं मर जाऊंगा लड़ूंगा लेकिन मैं यूक्रेन के लिए, ऐसा बोला जेलेंस्की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेलेंस्की का बैकग्राउंड क्या है। जेलेंस्की एक कॉमेडियन है, पता है आपको, जेलेंस्की एक टीवी कॉमेडियन थे, टीवी स्टार थे, फिर फिल्म में भी आए वो, और बेसिकली वो एक एक्टर है, वो कॉमेडियन है, और कॉमेडियन से वो पॉलिटिक्स में आए। कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर पॉलिटिक्स का नहीं है उनको, लेकिन पब्लिक के दिलों में बसते हैं, यूक्रेनियन पब्लिक उनके एक कहने पर जो है वो कुछ भी करने तैयार है, मतलब इतने पॉपुलर लीडर है जेलेंस्की वहां के। तो फिर अब ये तो जेलेंस्की ने 2019 में जो है वो नाटो के सामने प्रस्ताव रखा, पहले से बात से, पर इन्होंने ऑफिशियल प्रस्ताव रखा कि हमको शामिल होना है। तो 5 साल का जो वक्त लगता है नाटो के प्रोसेस में, वो उसके वो, अब इस पूरी बात में रशिया को बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यदि यूक्रेन तक नाटो आ गया, तो नाटो कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नाटो डर गया, अमेरिका डर गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो सच्चाई तो यह है कि रशिया को इस बात का डर है कि यदि नाटो वहां पहुंच गया तो जितने वो आसपास के पुराना सोवियत संघ एस्टेब्लिश करने के लिए, से जॉर्जिया पे उसने हमला किया, उसने क्रीमिया को एनेक्स किया उसने, तो इन चीजों को रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वो इतने पास नाटो सेना होने पर रशिया को जो है वो एक प्रकार से सेना कि बॉर्डर पर हमेशा तनाव बना रहेगा, रशिया को हमेशा जो है वो एक प्रकार से वो स्पाइंग करेंगे वो, और रशिया को आगे बढ़ने से रोकेंगे वो, ऐसा उनका मानना है। और अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी सब जगह पर, ऐसा रशिया का सोचना है, तो इसीलिए उसने विरोध किया। लेकिन विरोध, अब देखो यहां पर आप बोल सकते हो सर ये तो यूक्रेन ने गलत किया। सच्चाई तो यह है कि यदि आप खुद यूक्रेन के सिटीजन हो आज, और आप सोचें कि आपका एक हिस्सा किसने ले लिया, 2 हिस्से इंडिपेंडेंट कर दिए, तो आप सुरक्षा का कोई उपाय सोचेंगे? देखो हम न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं। दूसरा इसके अलावा यह कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री को इस बात का हक है कि वो किसका मेंबर बने, किसका मेंबर ना बने, वो रशिया की क्यों सुनेंगे? वो तो अपना हित देखेंगे, अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे। तो यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो सही है, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग कि वो बोलते हैं हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ी। लेकिन सुरक्षा खतरे में पड़ेगी इसके लिए तुम वॉर कर दो, ये तो ठीक नहीं है ना। पड़ेगी खतरे में, आगे क्या होगा उसको सोचकर ही आज से वॉर कर दो आप। यूक्रेन तो इमीडिएट खतरे में था ऑलरेडी, लेकिन ये खतरे की संभावनाओं को देखकर ही हमला कर दिए। खैर, पुतिन में और जेलेंस्की में बहुत फर्क है। पुतिन 69 ईयर्स के हैं, और पुतिन जो है वो कुछ मामूली आदमी नहीं है। पुतिन केजीबी एजेंट है,
केजीबी जो है वो सबसे खतरनाक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन में से एक रहा है, जो उस जमाने में कहते हैं कि जो अमेरिका में जो जो अपना अमेरिकन जो एजेंसी थे, खुफिया एजेंसी थे, वो भी काम किया करते थे। वो वहां के जासूस रशिया में आके सोवियत संघ में भेष बदल के रहा करते थे, यहाँ के वहां रहा, वहां अमेरिका जाके रहा करते थे। तो पुतिन ने केजीबी में काम किया जासूस, और एक बड़े मतलब कहते हैं कि एक बड़े सफल जो है वो स्पाई रहे पुतिन। तो पुतिन का पॉलिटिकल वॉर और इस चीजों का एक्सपोजर बहुत तगड़ा है। जेलेंस्की तो एक्टर कॉमेडियन सेंसिटिव पर्सन से पॉलिटिक्स में आए, तो पुतिन का सोचना और जेलेंस्की के सोचने में फर्क है। पुतिन एक बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि पावरफुल पॉलिटिशियन में से एक है। और सोचिए कि उन्होंने अपने आप को संविधान में चेंज किया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया उन्होंने, और अपने आप को जो है 2036 तक, 2036 तक प्रेसिडेंट बना के रखे हैं कि 2036 तक पुतिन ही प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसा रशिया में हो चुका है। ठीक है, मतलब कोई उनको चेतावनी देने वाला, कोई उनके सामने जो है वो सामने खड़ा होना नहीं चाहता है। अब ये तो हो गई एक प्रकार से हिस्ट्री, ठीक है, कि क्या कहती है, इतिहास क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा आपका मैं, लेकिन मैं आपको इस पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि 1945 के बाद में कोई भी वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुआ। कई लोगों को लगता है वर्ल्ड वॉर थ्री होगा क्या सर, तो आप सोचे कि जो यदि हम कहें कि 1945 के बारे में वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि न्यूक्लियर वेपन्स के कई कंट्री ऐसी है, उनके पास जो पावरफुल कंट्री है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन जो है आपको लगता होगा ये विनाश के हथियार हैं। बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स ने नागासाकी हिरोशिमा में पूरा संपूर्ण विनाश कर दिया, लेकिन यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स शांति के हथियार है। आप बोलोगे सर उल्टा बोल रहा, शांति के हथियार का मतलब यह है कि ताकत है वो, कि वो ताकत के होने के बाद कोई भी देश आप पर आसानी से हमला नहीं करता है। इंडिया ने जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया, इसलिए बनाया तो कि वो दो वो वॉर लड़ चुके थे, 62 का वॉर चाइना से लड़े, 71 पाकिस्तान वाला, जो भी, तो दो तीन वॉर हो चुके थे इंडिया में, इसलिए इंडिया ने अपने आप को पहले न्यूक्लियर पावर से ब्रेस किया कि पावर है हमारे पास। पाकिस्तान ने भी वही काम किया, चाइना में ने वही किया। तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर स्टेट आपस में लड़ेंगे तो वो मानव जाति का संपूर्ण विनाश कर देंगे, मतलब वो आत्महत्या करने के जैसा। यदि आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ते हो तो सामने वाला भी छोड़ता है, दोनों न्यूक्लियर वेपन छोड़ते हैं तो सब, यहां भी सब खत्म, वहां भी सब खत्म, और ऐसा काय का जीत जब कोई इंसान ही नहीं बचेगा वहां पे। तो वो आत्महत्या का सामान जुटा लिया सब लोगों ने, तो उस सामान के डर के मारे कि नहीं भैया मैं कुछ करूंगा तो ये भी हमला कर देगा, मेरी भी खत्म, ये भी खत्म, तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए 45 के बाद से जो है न्यूक्लियर पावर जो जितने कंट्री थे उसका उसका एक डर अलग था, वो तो वो शांति को बनाए रखने में उसने रोल प्ले किया, एकमात्र कारण नहीं हो सकता, वो रोल प्ले किया। दूसरा, इसके अलावा जो है युद्ध की कॉस्ट कई गुना बढ़ गई है, मतलब आज जो है वॉर लड़ने की कॉस्ट जो है वो इतनी अधिक है कि आप उस वॉर को, यदि आप 10 दिन वॉर लड़ते हैं तो इतना पैसा खर्च होता है जितना आप पूरे देश को साल भर चला सकते हैं। आप सोचिए कि कंपैरिजन देखिए, 365 दिन एक कंट्री को चलाना और 10 दिन वॉर करना, दोनों बराबर है। ठीक है, इतना कॉस्ट। और दूसरी बात है कि किसी भी चीज का एक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। पहले जमाने में आप युद्ध लड़ोगे, जमीनों को जीतोगे, खेतों को जीतोगे, आपके पास खेती होगी, आप पैदा करोगे, आपके पास बड़ा सारा अनाज होगा, अनाज से धन संपत्ति तय होगी। तो पहले के जमाने में युद्ध लड़ना फायदेमंद था कि मेरे पास मान लो 100 एकड़ जमीन है, मैंने युद्ध लड़ा, बाजू वाले की 500 एकड़ जमीन अपने अंदर ले ली, तो मैं 600 एकड़ जमीन का जमींदार बन गया मैं, तो पहले फायदेमंद था वो। अब तो जमीनों का इतना वैल्यू नहीं, अब जमीन पर क्या खेती जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रह गया अभी। तो मैं कहने का मतलब ये कि ग्लोबल इकोनॉमी में एग्रो एग्रीकल्चर का बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है इस समय। इस समय जो धन है वो कहां है, वो टेक्नोलॉजी में है, सिलिकॉन वैली में है। इस समय ग्लोबल इकोनॉमी बना हुआ है दुनिया, पूरी दुनिया में चीन जो बना रहा है वो पूरी दुनिया में बिक रहा है, अमेरिका जो खोज रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक फायदे का काम कर रहा है। तो मतलब ये है कि पूरी का पूरा ग्लोबल चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए यदि आप एक जगह पे कोई चीज को बंद कर ब्लॉक करते हैं तो बाकी सब भी अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए युद्ध लड़ना कोई फायदे का काम नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है इसकी, जमीन मिलेगी करोगे क्या, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है अभी भी। लेकिन कहां जमीन का वैल्यू है, जो लोग मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आप लड़ोगे, लड़ रहे पर जमीन मिलेगी, जमीन में तेल का कुआं मिलेगा, तेल का कुआं मिलेगा तो तेल को बेच बेच के अमीर बन जाओगे। तो कतर में, कुवैत में, तमाम इराक, ईरान, वो जो हिस्सा है वो पेट्रोलियम एरिया है,
तो वो लड़ रहा है, वो जमीन के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे ये इसके अलावा कुछ और ही नहीं है। भाई अफगानिस्तान में लड़कर क्या मिला अमेरिका? कुछ नहीं मिला। टेररिस्ट कुछ मार दिए, बात खत्म हो गई, पत्थर ही पत्थर है, क्या कर लोगे उसका? तो अभी कोई फायदे का काम रह ही नहीं गया युद्ध लड़ना। तो इसलिए कोई भी कंट्री जो है वो कहती है कि भाई हमको युद्ध लड़ने से नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा हमको, जीत भी जाएंगे जमीन तो करेंगे क्या उसका, इतना बड़ा राज्य बना के हम करेंगे क्या उसका? तो वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा इसके अलावा यह है कि रशियन पीपल, रूसी लोग जो है, युद्ध आपने देखा होगा न्यूज में आया कि रशियन लोग जो है वो अपना वॉर का विरोध कर रहे हैं और वो जो है सड़कों पे निकला है, मॉस्को में तमाम जगह प्रदर्शन किया, पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने कि भैया वॉर को बंद करो, क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि रशियन पब्लिक जानती है कि उसने कैसे बुरे दिन गुजारे हैं 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद जब क्रीमिया पर अटैक किया, उसके बाद तो ग्लोबल कई सारे प्रतिबंध लगने के बाद, और कोई रूस इंडिया नहीं है, इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना की एक बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन अपना खुद कंजम्पशन कर लेती है। इंडिया को यदि आज कोई धमकाना चाहे तो इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है कि वो अपना प्रोड्यूस करके खुद ही खा लेंगे, खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, हमारा अपना एक ऑटो सिस्टम बना हुआ। पर रशिया की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, रशिया का इकोनॉमी जो है वो बाहर के ट्रेड पर बहुत निर्भर करता है। वो हमारा इकोनॉमी ऐसा है कि हम बाहर ट्रेड करते हैं, बचता है वो बेच देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम तो खुद ही खाने के लिए काफी है। तो हमारा सिस्टम डिफरेंट है, चाइना का सिस्टम डिफरेंट है। चाइना ने इतना प्रोड्यूस करता है वो कि वो कंज्यूम ही नहीं कर सकता, इतना प्रोड्यूस करता है वो, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो। तो रशियन लोग जानते हैं कि इस युद्ध के बाद दुनिया भर उन पर प्रतिबंध लगाएगी, और आज आपको लग रहा है सबको कि प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा, पर मैं कहता हूं अगले 5 साल बाद रशियन पब्लिक के हाथ में कटोरा होगा, क्योंकि समस्या यह है कि आज पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है आपस में, और ऐसे कंडीशन में जब आप वॉर करते हैं तो आपका करेंसी का डिवेल्यूशन होता है, आपके सिटीजन्स की संपत्ति बाहर जब्त हो जाती है, आपको फिर बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो अंदर जो अंदर एक डिक्टेटरशिप है और वॉर है और ग्लोबल प्रतिबंध है, तो उससे आम आदमी जो है वो बहुत अफेक्ट होता है। इसलिए रशियन विरोध कर रहे हैं अपने ही प्रेसिडेंट का कि वॉर को बंद कीजिए, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ तुष्टीकरण है कि तुमने नाटो जुड़ना चाह रहे थे, हमने तुमको पकड़ लिया, लो अब जुड़ के दिखाओ। ये अपने आपको संतुष्ट करने की पावर को दिखाने की, भारत की सबसे पावरफुल लीडर कौन? पुतिन दादा, सबसे पावरफुल। खैर, नाटो और यूएसए क्यों साइलेंट है? नाटो और यूएसए इसलिए साइलेंट है कि उनको पता है इस बात का कि इस वॉर से नुकसान अल्टीमेटली रशिया को होने वाला है, और बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस तरह के प्रतिबंध जो है यूरोपियन यूनियन ने लगाया हुआ है, जिस तरह के प्रतिबंध जो है वो अमेरिका ने लगाया हुआ है, और उसके बाद रशिया की इकोनॉमी जो है, आज भले ही पैसा हो लेकिन पैसा खत्म हो जाता है, कहते ना खुट जाता है पैसा, खत्म हो जाता है, खत्म होगा, ग्लोबल हेल्प नहीं मिलेगी। और सही बात, चाइना क्या सपोर्ट करेगा रशिया को? चाइना आज जरूर सपोर्ट कर रहा है, पर चाइना की हिस्ट्री है, चाइना को जैसे ही दिखेगा कि मेरी तरफ नुकसान होने लगा, अमेरिका ने इंपोर्ट बंद कर दिया, पूरे यूरोप ने इंपोर्ट बंद कर दिया, इंडिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया, सबने इंपोर्ट बंद कर दिया, तो चाइना को जो है हाथ पैरों पर आना पड़ेगा, घुटने पर आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की पूरी इकोनॉमी इसी बात पर बेच दे कि उसको बाहर सामान बेचना है। वो कितना ही गुलाटी खा ले, लेकिन वो उसके पास यदि दुकानदार जो है वो अपने हर ग्राहक से लड़ेगा, हर ग्राहक को धमकाएगा कॉलर पकड़कर दुकानदार, तो सामान किसको बेचेगा वो? या तो उसको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम चेंज करने का वहां पे चाइनीज पब्लिक जो है उसका पूरा इकोनॉमी चाइना का वो उसी पर टिका हुआ है। तो इसीलिए चाइना जो है वो एक लंबे समय में सपोर्ट नहीं करने वाला। इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्ती रहा है सोवियत संघ से, रशिया से, क्योंकि हमको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं वो, हमारा सब कुछ है, तो हमको साइलेंट बैठना हमारी मजबूरी है। पर भारत का डीएनए इस बात को जानता है, इंडिया का जो लोगों की भावना कि यार वॉर ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। आप भले ही बोले कि यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट दिया, पर एक वोट देना और उनकी पब्लिक का नरसंहार होना, दोनों में फर्क है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हम लोग कि हमको खून देखकर भी जो है वो डरना लगे, कि हमको लगे ना कि वो छोटे छोटे बिलखते बच्चे को जानते ही नहीं वो कि क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं जो है वो देश से बाहर निकल गई हैं, 16 साल से 60 साल तक के लोग आदमी घर से अपने देश नहीं छोड़ सकते, सबको वॉर में जाना कंपल्सरी हो गया है, मार्शल लॉ लग चुका है वहां पर। कितने बच्चे अपने माता पिता को खो देंगे, कितने बच्चे जो है अपने पिता को खो देंगे, कितने बहनें अपने भाइयों को खो देंगी, वो सब चीजें, हम सेंसिटिविटी भी तो कोई चीज होती है ना। तो वॉर का कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इंडिया को साइलेंट रहना मजबूरी है, क्योंकि हम बहुत हद तक जो है रशिया पर डिपेंडेंट है, और रशिया चाइना को बैलेंस करने में हमारी हर बार उसने हेल्प की है, इसलिए हम चुप बैठे हैं।
और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका चूंकि हमसे बहुत दूर है, वो ठीक है, कॉन्टिनेंट डिफरेंट है, और जो है रशिया हमारे ही कॉन्टिनेंट से क्या का हिस्सा है, तो हमको अपने पड़ोसियों के आसपास के पड़ोसी संबंध ठीक रखने पड़ेंगे। इसलिए इंडिया साइलेंट है, पर इंडिया खुद जानता है कि जो फंडामेंटल है वो गलत है, ये जो रशिया कर रहा है यूक्रेन पे, तो इसलिए वो एबसेंट रहा मीटिंग में। रशिया का सपोर्ट नहीं, इंडिया ने रशिया का मौन रहकर वो रशिया का विरोध कर रहा है कि हम कुछ तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, हम पर हम जानते कि तुम गलत कर रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनसे बात किए। अब यदि ये ट्रेंड चलता रहा तो चाइना ताइवान पर हमला करेगा, हांगकांग को अपने पास कर लेगा, चाहे ताइवान को अपने अंदर कर लेगा, ऑलरेडी अंदर है ही वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली, पर वो डायरेक्टली एंटर कर लेगा। हमारी टेरिटरी पर भी जो है वो उसकी नजर रहेगी, फिर अरुणाचल प्रदेश वाले वो एरिया पर नजर रहेगी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा फंडामेंटली जो है वो लालच है, ग्रीड है। सुपर पावर बनना चाहता है आदमी, कोई भी कंट्री चाहता है हम सुपर पावर बने, तो सुपर पावर का मतलब क्या होता है? क्या सुपर पावर का मतलब ये है कि आप नरसंहार करें, आप लोगों को आप बनी बनाए शहर को उजाड़ दें, आप उजाड़ने के बाद आप बोले कि मैं सुपर पावर हूं? इतिहास गवाह है कि आज आपसे मैं बोलूं कि पहले के जमाने में जो है वो सन 1600 में, सन 600 में ऐसे युद्ध लड़ते थे लोग, पूरा शहर का क्या लड़ते थे युद्ध की। देखिए आज तो क्या है, आज तो सिटीजन को मारने का कोई मतलब नहीं है। पहले के जमाने में किसी एक राज्य ने दूसरे राज्य पे हमला किया, हमला करने के बाद वहां पे वो एक एक बच्चे को, महिलाओं को तो वो अपना गुलाम बना लेते थे, वो बच्चों को मार दिया करते थे, वो आदमी को सबको, एक एक घर को जलाया करते थे, वो ईच एंड एवरी सिंगल होम को वो जला दिया करते थे, हर आदमी को मार दिया करते थे वो, क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी। और आदमी जिंदा रहेगा तो बोलेगा मेरी जमीन है तो मार दो उसको। पर आज तो ये नहीं हो सकता ना। तो मतलब आज यदि कोई 16वीं सदी, 17वीं, 18वीं सदी या 19वीं सेंचुरी वाले वॉर की धारणा को लेकर यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक गलती को दोहरा रहा है वो चीज। रही बात वर्ल्ड वॉर की, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इस बार वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो वेपन से नहीं होगा, न किसी बायोलॉजिकल वेपन से होगा, वो होगा इकोनॉमिकल लेवल पे। आप देखते जाइए, वक्त बताएगा आने वाला कि सबसे बड़ी चीज है भूख और गरीबी। जब आपके पास कुछ होता नहीं है, आपके पास जब सब खत्म हो चुका होता है, तो फिर दुनिया जो है वो पॉवर्टी इज द बिगेस्ट थिंग, जो सबसे बुरी सजा हो सकती है, ठीक है। और अमेरिका पूरा प्रबंध वही कर रहा है वो, कि वो उसको वैसे उलझा देगा, ठीक है, क्योंकि उसने देखा है वॉर करके, अमेरिका ने इराक पे भी देखा अफगान, कि देयर इज नो बेनिफिट ऑफ द वॉर, अपना ही नुकसान होता है। इतने महंगे महंगे वो प्लेन छोड़ के वहां आ गए अफगानिस्तान में, मैं वो लोग झूल रहे झूला लगा के। वो अभी शर्म वाली बात तो ये, सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि तालिबान ने कल परसों स्टेटमेंट जारी किया, शांति से काम लो, वार्तालाप करो, हिंसा मत करो। कौन बोल रहा है? तालिबान। मतलब अमेरिका भी शर्म से मुंह छिपा लेगा कि कौन बोल रहा है भाई। रशिया को तो शर्म आ जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए रशिया को कि भैया कौन बोल रहा है तुमसे, तालिबान बोल रहा है कि शांति से काम लो भाई, वार्ता करो, ठीक है। तो खैर, तो अपने अपने मुद्दे हैं। तो कहने का मतलब है कि युद्ध कभी भी है ना, आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो युद्ध कभी भी बेटा कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, युद्ध अपने आप में एक बड़ी समस्या होता है। और आज मैंने किसी में आपको किसी अच्छी बुक के बारे में बताना वाला था, लेकिन चूंकि लंबा हो गया बात ये, तो मैं कभी और लूंगा बुक का पैराग्राफ जो मैं लेने वाला था उसके बारे में कभी और बात करूंगा। मैं एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ में लूंगा, ये सैपियंस बुक का है, सैपियंस बुक का है ये, दिस इज द सैपियंस, ठीक है। इस बुक का बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मतलब मुझे ये पैराग्राफ काफी अच्छा लगा आज की कंडीशन में। हम एक साथ स्वर्ग और नर्क दोनों की दहलीज पर खड़े हैं, हम एक साथ स्वर्ग और नरक दोनों की दहलीज पर खड़े हैं, और घबराए हुए से एक के प्रवेश द्वार और दूसरे के गलियारे के बीच आवाजाही कर रहे हैं, एक के प्रवेश द्वार और दूसरे के गलियारे के बीच आवाजाही कर रहे हैं। इतिहास ने अभी भी यह फैसला नहीं किया है कि अंततः हम कहां जाएंगे, इतिहास ने अभी भी यह फैसला नहीं किया है कि अंततः हम कहां जाएंगे, और संयोगों की एक श्रृंखला हमें किसी भी दिशा की ओर लुढ़का सकती है। आज यदि सब्र से काम नहीं लिया गया, दुनिया के तमाम देश टूट पड़े रशिया पर, बड़ा वॉर हो गया, तो कहते हैं कि इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा, देयर विल बी नो हिस्ट्री। जब इंसान ही नहीं होगा तो हिस्ट्री कहां से होगी। इसलिए वर्ल्ड वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन, नेवर ए सॉल्यूशन,
एवरी टाइम इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आम बच्चों को घर छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चों को बच्चे घर छोड़ के। मैं कल देखा एक वीडियो क्लिप देखा कि रेल वो मैं कहीं पर रेलवे ट्रैक के पास कहीं पे वो छुपे हुए छोटे छोटे बच्चे अपने घर से भागे, तो छोटा सा एक 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 खिलौना उठा के एक बच्चा खेल रहा है खिलौने से, उसे पता ही नहीं कि वॉर क्या है, क्या चल रहा है बाहर, वो अपने खिलौने से खेल रहा है। क्यों घर छोड़ के आ गए, कहाँ माँ के हाथ, पापा कहाँ गए, भाई कहाँ गया, कुछ नहीं पता उसको। तो ये मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। और पता नहीं ये जो जो सनकी टाइप के जो लीडर्स उभर रहे हैं ना, ये हमें इंसान को मंगल ग्रह, या हम सोचते हैं कि इस अर्थ को कैसे बेहतर करना, बहुत सारी चीजें हमारे पास सोचने को है बजाय जमीनों पर ऐसे कब्जा करने के लड़ने के। खैर ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हैव ए ग्रेट डे, आज लंबा हो गया, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।